अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये ना एक्चुअली आंटी एक नया ब्यूटी ट्रीटमेंट है, कि जो लाइट है ना ये जब आपके सर पे पड़ती है ना तो इससे आपके दिमाग की नसें ना एकदम खुल जाती है, दिमाग बहुत तेज होता है इससे। और ये जो बाल है ना ये भी बहुत घने हो जाते हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको ये ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये डायरेक्ट लाइट मुझे नुकसान कर सकती है ना, इसलिए मैंने चद्दर ओढ़ ली है। कमाल है, मैंने बोटॉक्स के बारे में सुना है, लेजर के बारे में सुना है, लेकिन ये लैंप वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये तो बहुत ही सस्ता और घरेलू ट्रीटमेंट है। पहली बार सुना है मैंने इसके बारे में, इसे तो मैं भी कर सकती हूँ। जरा ये मुझे भी दीजिए ना, थोड़ी सी लाइट है? मैं भी कर सकती हूँ ना ये ब्यूटी ट्रीटमेंट। थोड़ी तो गर्मी आ रही है। नहीं 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 आंटी, आप ये सब नहीं कर सकती। इसका फायदा ना तभी होता है जब आप ये 20 साल की उम्र से कर रही हो। 20 साल? हाँ, और अभी तो आपकी एज हो गई। अभी आप रहने दीजिए। हाँ, ये जूस आप यही छोड़ जाइए, मैं पी लूंगी। हाँ? मलिष्का जी, मैं नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मेरी जूही तो कर सकती है ना ये ट्रीटमेंट वाला। हाँ हाँ, जूही बिल्कुल कर सकती, आप उसको बता दीजिएगा, वो कर लेगी। ठीक है, बाय। अपने देश में कितने नए नए तरीके आ गए सुंदर बनने के, इन अमीरों को सब पता होता है तभी तो ये इतनी सुंदर दिखती है। जूही को चलकर बताती हूँ। अरे भाई साहब, इतना अच्छा शिवरात्रि का माहौल था, आपका और आपकी बेटी का कितना इंतजार किया, आप लोग आए ही नहीं। बहन जी, हम तो पहाड़ी वाले मंदिर में पहुँचे थे। क्या, पहाड़ी वाले मंदिर? वहाँ क्यों गए आप लोग? वहीं पे पूजा थी ना। भाई साहब, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। समर, तुझे कितनी बार कहा है कि काम करते वक्त फोन पे ध्यान मत दिया कर, बेटा इससे दिमाग भटक जाता है। पर नहीं, तेरे कान पे तो जू तक नहीं रेंगती, बस आलतू फालतू चीजों पे ध्यान रहता है। ये फोन मैं लेकर जा रही हूँ, बाद में आकर मुझसे ले लेना, अभी काम कर। कोई मावा नहीं, कहा ना फोन मैं लेकर जा रही हूँ, बाद में आकर ले लेना, चल काम कर। गर्मी लग रही थी, आज तो बाल बाल बच गई मैं, लेकिन नया विक तो मुझे किसी भी तरह करके लाना ही होगा। लेकिन नया विक लेने के लिए बाहर जाओ तो जाऊं कैसे? क्या करूं? बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अग्नि, पानी तो बिल्कुल ठीक था। रुको, मैं
अभी देखती हूँ। मुझे बहुत जलन हो रही। अग्नि शांत हो जाओ, पानी बिल्कुल ठीक है, ये देखो सही है बिल्कुल। मम्मी जी, दादी जी, आप लोग देखिए, देखिए ये पानी बिल्कुल ठीक है या नहीं, देखिए। मैं अग्नि, रूही सही कह रही है, पानी तो बिल्कुल ठीक है। नहीं आंटी, आंटी पानी में कुछ तो था आंटी, सच में आंटी मुझे अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। अग्नि, अग्नि देखो, हो सकता है कि तुम्हें चोट लगी है, उस पर पानी गिरा हो, उससे तुम्हें जलन हो रही होगी। अग्नि मैं तुम्हारी चोट पर ड्रेसिंग कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, रुको मैं अभी आती हूँ। अगर रोहित ने मेरी चोट देख ली तो सबके सामने मेरे नकली चोट का सच बाहर आ जाएगा। शिवपुरी यहाँ किसने रखी? पिंकू से गेहूं मंगवाया था, यहीं रख के चला गया। कोई बात नहीं, पहले सबको चाय दे देती हूँ, फिर मैं ही रख दूंगी। ये लीजिए चाय, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। शिवपुरी यहाँ कैसे आ गई? दादी, हाँ इसमें चीनी कम है, थोड़ी सी चीनी डाल दो ना। बस क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूनम, कहाँ है भूत? कौन सा भूत दादी, कहाँ है? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।